बॉलीवुड अभिनेत्री शालिनी गौड़ का मुरादाबाद में स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम मुरादाबाद के प्रतिष्ठित विद्यालय सेंट मेरीज स्कूल एवं लाइफस्टाइल फाउंडेशन द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री शालिनी गौड़ का स्वागत एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। ज्ञात हो कि शालिनी गौड़ ने इसी विद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है तथा वह पर्यावरण मित्र समिति एवं लाइफस्टाइल फाउंडेशन द्वारा आयोजित मिस एंड मिसेज मुरादाबाद 2017 की मिस मुरादाबाद भी रह चुकी हैं। मिस एंड मिसेज मुरादाबाद के बाद शालिनी ने मिस उत्तर प्रदेश, मिस चंडीगढ़ का खिताब हासिल किया तथा उसके बाद बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा। सबसे पहले मुलाकात नामक म्यूजिक एल्बम में काम किया तथा कई अन्य म्यूजिक एल्बम किए। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस नामक लघु फिल्म में काम किया। अब उनकी नई फीचर फिल्म तोता उड़ मैना उड़ नेटफ्लिक्स पर अगले माह रिलीज होने वाली है। आज सेंट मैरीज स्कूल की सभी शिक्षिकाएं, प्रधानाचार्य, मैनेजर, सभी छात्राएं शालिनी से मिलकर बहुत उत्साहित थे तथा शालिनी का बहुत गर्मजोशी से स्वागत एवं अभिनंदन किया। आपके कैरियर की स्टार्टिंग कहां से हुई है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाय एवरीवन, जो भी देख रहे हैं, लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। आई एम शालिनी गौड़। सो जैसे सर पूछ रहे हैं, आई एम एन एक्ट्रेस बेसिकली, और मेरी जो करियर की स्टार्टिंग हुई है ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में, मैंने जर्नलिज्म किया है पहले चंडीगढ़ से। उसके बाद से मुझे इंटरेस्ट हमेशा से रहा है इस फील्ड में। आई डिड मॉडलिंग, मैंने काफ़ी यू नो ये कॉन्टेस्ट करे थे मिस मुरादाबाद, मिस उत्तर प्रदेश, बट आई हैड नो इंटेंशंस ऑफ going to this industry as such, because हम सबको पता है that you know अगर आपका कोई film industry से relations नहीं है, कोई contacts नहीं है, so it is very difficult to make your space there. तो यही मेरा भी मानना था। और after doing my bachelor's in journalism, I was going to Canada for my master's. Theatre मैंने करा है, शौक हमेशा से था, but ये नहीं सोचा था कि इसे as a profession convert करना है. So I genuinely believe in destiny. और वही डेस्टिनी ने अपना रोल प्ले करा। हमारा कनाडा का सब वीज़ा वगैरह सब कुछ हो गया था, मेरा कॉलेज वहाँ फाइनलाइज हो गया था। आई वाज गोइंग देयर, बट सडनली यू नो आई स्टिल रिमेंबर कि दिसंबर में मैं घर आई थी जस्ट टू यू नो डू शॉपिंग फॉर कनाडा एंड एवरीथिंग। और वहाँ से बहुत स्ट्रेंज थिंग्स चेंज्ड, एंड उसके बाद जो घर पर डिस्कशन हुआ एंड वी यू नो फिगर्ड इट आउट कि चलो एटलीस्ट वो गिल्ट ना रह जाए कि यार आई डिडंट ट्राई इवन, कनाडा तो बाद में भी हो जाएगा, एक ट्राई तो देकर देखें। तो वहाँ से वीज़ा रिफंड कराया, मम्मा ने भी बात करी, उन्हें भी क्रेडिट जाता है मेरे पेरेंट्स को कि यू नो उन्होंने समझा ये चीज़ एंड दे सपोर्टेड मी, बिकॉज मेरे लिए बहुत मुश्किल था यार, मैंने ही डिसीजन ले लिया है जाने का कनाडा, अब नाउ आई कांट यू नो उस चीज़ से मैं बैक स्टेप नहीं ले सकती हूँ। तो बस वही सब हुआ एंड दे सपोर्टेड मी, देन हमने वीज़ा रिफंड लिया और फिर मुंबई का प्लान बनाया। एक हफ्ते में ये चीज़ें टर्न आउट हुई हैं, दैट्स व्हाई आई बिलीव इन डेस्टिनी। तो वहाँ से आई केम टू मुंबई और मुंबई से सफ़र की शुरुआत हुई। पता तो कुछ नहीं था, किसी को नहीं जानती थी मुंबई में, एंड इतना ही पता था हाँ, बट मैंने एक रूल अपने लिए बनाया था कि अब मैं आई हूँ तो हर ऑडिशन में दूंगी और हर प्रोडक्शन हाउस में जाऊंगी, भले ही यू नो आप आते हैं तो आपको ओपिनियन सुनने को मिलते हैं, देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो काफ़ी सालों से वहाँ हैं एंड अपना अपना ओपिनियन हर कोई बताता है कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, आपको यहाँ जाना चाहिए, ये फ्रॉड है, ये जेन्युइन है, बट ऑल आई न्यू कि मुझे खुद से एक्सपीरियंस करना है, सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाना, मैं खुद जाऊँगी, देखूँगी, फेक भी हुआ चलो ठीक है, एटलीस्ट मैंने एक्सपीरियंस करा। तो आई यूज़ टू गो एवरी डे एवरीवेयर, जितना मुझे पता था, जितने मेरे पास कॉन्टैक्ट थे, ऑडिशन देना, भेजना, पोर्टफोलियोज़ भेजना, ऐसे ऐसे शुरुआत हुई। काफ़ी फ्रॉड लोग भी मिले, फेक पीपल भी मिले, एज यू मस्ट बी नोइंग आप सभी इंडस्ट्री से हैं कि यहाँ जेन्युइन लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो बट ये भी रहता है कि अगर आपकी इंटेंशन सच्ची है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप यू नो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको अपनी मंजिल मिल जाती है। दिस हैपेंड विद मी, मेरा काफ़ी ऐसे भी एक्सपीरियंसेस रहे, बट उसकी वजह से मुझे ये कभी नहीं आया कि यार ऐसा तो नहीं है यू नो वेदर आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग या ये सब नहीं था, उससे मेरा डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग हो जाता था। आई यूज़ टू थिंक नहीं यू नो ऐसा, मे बी देर आर पीपल हु आर डूइंग समथिंग ग्रेट, हु हैव मेड देयर स्पेस। तो वहाँ तक धीरे धीरे करते हुए मैंने एक ऑडिशन दिया था, जहाँ से आज मैंने काफ़ी म्यूज़िक वीडियोस किए हैं, जैसे जैन इमाम के साथ मुलाकात, जो टीवी एक्टर हैं,
अरविंदर सिंह के साथ, जिनका नाम है म्यूज़िक वीडियो का तू बदल गया है यारा। इज़ अ पंजाबी सिंगर एज वेल और काफ़ी पंजाबी म्यूज़िक वीडियोज़ किए हैं। अपार्ट फ्रॉम द म्यूज़िक वीडियोज़, मेरी शॉर्ट फिल्म आई है डोमेस्टिक वायलेंस, विच इज़ अवेलेबल ऑन हंगामा, एयरटेल एंड वोडाफोन ऐप। और इसके अलावा मैंने एक फीचर फिल्म करी है, विच इज़ माई फर्स्ट फीचर फिल्म, जिसका नाम है तोता उड़ मैना उड़, जो रिलीज़ होने वाली है वेरी सून। उसकी डबिंग ही चल रही है अभी। सो या, और अभी अपकमिंग मूवी है जिसका शूट अभी प्री प्रोडक्शन इज़ गोइंग ऑन, उसका शूट स्टार्ट होना है जनवरी से, बट उसका नेम एंड अबाउट द प्रोजेक्ट आई कांट रिवील राइट नाउ। जी ओके। सो मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप गाज़ियाबाद में हुआ है। हम लोग डिफरेंट सिटीज़ में रहे हैं यूपी की, बिकॉज पापा का ट्रांसफ़र होता था अलग अलग सिटीज़ में। बट येस, यूपी में ही अलग अलग सिटीज़ में रहना छोटे शहर ही हो गया, वहाँ से यू नो मुंबई तक जाना डेफिनेटली मुश्किल तो रहा है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि यू नो हर चीज़ सर्व करके हमें मिल जाती है, बिकॉज आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। आई हैव मेट सम पीपल जो यू नो काफ़ी मुश्किलें भी आई, प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई, बट मेरा अप्रोच एक ही रहता है लाइफ में, मैं हमेशा पॉजिटिव साइड पर देखती हूँ। मैं अभी आप मुझसे पूछेंगे ना क्या एक्सपीरियंसेस मेरे रहे अगर जो बुरे रहे होंगे, शायद मुझे याद भी नहीं होगा, आई स्वेयर जेन्युइनली, क्योंकि मैं मेरा अप्रोच ही यही रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ पर देखना। नेगेटिविटी कुछ भी हुई हो या ऐसे लोग भी आए हो, मैं एक्सपीरियंसेस याद नहीं रख पाती हूँ वो चीज़, विच इज़ अ गुड थिंग, विच वर्क्स फॉर मी। ये इस चीज़ में मेमोरी का थोड़ा लोचा है, बट ठीक है वो वाली चीज़। पॉजिटिवली जो भी चीज़ें दिखती हैं वो आई वुड लाइक टू बी ग्रेटफुल अबाउट, एंड यही हुआ मेरे साथ। यू नो आई एम वेरी पर्टिकुलर इन माई रूटीन, जब लाइक मुझे सुबह उठना पसंद है अर्ली मॉर्निंग, जो हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, और सुबह उठकर 2 घंटे अपने आप को देना, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना, और उसका इतना इंपॉर्टेंस है, जब मुझे उसके रिजल्ट दिखने गए, तो मैं यही रीज़न है, हम आगे बात करेंगे एनजीओ वगैरह, यही रीज़न है मैंने इन चीज़ों की वजह से एनजीओ स्टार्ट करा, या जितना हो सके मैं लोगों को अवेयर कर सकूं अपने एक्सपीरियंस से। ओके, सो यस, आई मेट सच अमेजिंग पीपल एंड आई एम सो ग्रेटफुल अबाउट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरे लोग होते हैं। आपकी आपका नज़रिया डिपेंड करता है, आपका पर्सपेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू बिलीव कि देर आर प्रॉब्लम्स, तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स मिलेंगी। इफ़ यू बिलीव कि मिरेकल्स होते हैं ज़िंदगी में, चमत्कार होते हैं, अगर आपकी वो सोच है ना, तो आपके साथ मिरेकल्स होंगे। इट हैज़ हैपेंड विद मी, एंड मुझे फिर बहुत अच्छे लोग मिले हैं, बहुत पॉजिटिव। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि सिर्फ ऐसे लोग भरे पड़े हैं, आई हैव मेट सच अमेजिंग पीपल। तो ऐसे ही धीरे धीरे शुरुआत हुई हमारी, एक प्रोडक्शन हाउस में मैं गई, और वो भी डेस्टिनी थी। डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, मुझे जाना कहीं और था, आई थिंक उसी बिल्डिंग में प्रोडक्शन हाउस में, आई स्टिल रिमेंबर, जो मेरा जहाँ से मेरी फर्स्ट ये म्यूज़िक वीडियो की शुरुआत हुई थी, जाना मुझे कहीं और था 6th फ्लोर पर, बट वो अवेलेबल नहीं थे प्रोड्यूसर। तो जिन कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे बुलाया था, ही टोल्ड मी कि यू नो वो तो अभी है नहीं, तो चलो आपको अब मैंने बुला ही लिया है, तो अब 3rd फ्लोर पे ऑलरेडी ऑडिशंस चल रहे हैं, आप वहाँ मिल लीजिए। वहाँ बाई चांस उनके असिस्टेंट वगैरह कोई नहीं थे, तो यू नो आई हैड 1-to-1 मीट विद द टीम, जो एक्चुअली ये सब प्लान आउट कर रही थी मूवी का एंड म्यूज़िक वीडियोज़ का। तो उनसे मेरी मीटिंग हुई, देन जो भी यू नो उन्होंने पहले का वर्क प्रोफाइल एज अ मॉडलिंग करियर में मेरा देखा, एंड वहाँ से मुझे एक म्यूज़िक वीडियो मिला। म्यूज़िक वीडियो के चलते धीरे धीरे डोमेस्टिक वायलेंस की शुरुआत हुई, मैं 2nd टीम से जुड़ी, जिनके डायरेक्टर अजय लोहान सर हैं, और प्रेम राज जोशी उनके डायरेक्ट प्रोड्यूसर हैं, एंड ह्यूमन बीइंग स्टूडियो से यहाँ मेरी ये शॉर्ट फिल्म हुई। जी चर्चा में है पिछले कई दिन से, जी खुद बॉलीवुड चलते हैं, कोई बॉलीवुड जी क्या कहेंगे इस तरह जो कि जो समाज में समाज जी। ओके, देखिए सर, मैं इतना ये आई थिंक बिग बॉस से रिलेटेड कंट्रोवर्सी है, एलविश यादव इज़ फ्रॉम बिग बॉस, मेरा बहुत ज़्यादा बिग बॉस मैं अभी फ़िलहाल नहीं वॉच कर पा रही हूँ, ना मैंने ज़्यादा फॉलो किया है, बट एलविश यादव जितना मैंने यू नो सोशल मीडिया से जाना है, आई फाइंड हिम लाइक जेन्युइन, जितना मुझे एज अ पर्सनैलिटी समझ में आते हैं उतना ही मैं बात करूँगी। जितना मैं जब किसी को जानती नहीं हूँ तो मैं बेवजह कमेंट नहीं कर सकती हूँ उन पर। बाकी ड्रग्स तो बाय ओनली बिकॉज ऑफ यू नो एलविश यादव से ही हम क्यों जोड़े, ऑल इन ऑल हम बात करें ये
जो अब पर्सनल चॉइस है ये, ऑब्वियसली वी ऑल नो, हमें सबको पता होता है क्या सही है क्या गलत है, बट वो उनका पर्सनल चॉइस है एंड आई ऑब्वियसली डोंट अग्री टू इट, बट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, सो या सपोज